ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया है। मैं आज सबसे पहले आप सभी को 2018 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये वर्ष आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है आप सब कुछ ना कुछ एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और इस 2018 में आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। तो मैं सबसे पहली चीज आज आपको अपने मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भगवान करे कि आपको सफलता सक्सेस लाइफ में मिले और आप पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो 2018 आपका ईयर है, आपका ईयर है, आपको लाइफ में अब आगे और बढ़ना है। दोस्तों मैं अपने बारे में, वैसे तो आप मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं फिर भी आपको एक मिनट के लिए बताना चाहूंगा कि मेरा नाम भूपेश आनंद है। भूपेश आनंद, मैं दो ही काम करता हूं, एक पढ़ता हूं और दूसरा पढ़ाता हूं। मेरी दो ही हॉबीज हैं, मेरी दो ही हॉबीज हैं, एक पढ़ने की और एक पढ़ाने की। वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, IFRS लंदन, वैल्यूएशन एक्सपर्ट और भी बहुत सारी डिग्रीज आने वाले 2018 में मैंने एड ऑन कर देनी है, वो सब मैं आपके सामने शेयर करूंगा। दोस्तों पिछले एक दो सालों से मैं अपने बड़े सारे नए नए कोर्सेस को डेवलप कर रहा था। मैंने बड़े सारे पेनड्राइव कोर्सेज लॉन्च किए CA के लिए, CS के लिए, CMA के लिए, CFA अमेरिकन के लिए, CPA अमेरिकन के लिए और भी बड़ा कुछ हम बुक्स में लगे हुए थे। तो पिछले एक दो वर्षों से मैंने कोई भी फेस टू फेस के लेक्चर्स नहीं लिए। पेनड्राइव बहुत बेची और चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया हमारी क्लासेस बिकी और यूट्यूब में हमने बड़े सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। लगभग अगर आप देखें तो 1000 वीडियोस हमने अपलोड किए और बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको भी कमेंट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों मेरे को जो कमेंट्स मिल रहे हैं और मुझे वो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप एक बैच दो बैच फेस टू फेस के जरूर लें। और दोस्तों इतने कमेंट्स, इतने व्हाट्सएप, इतने फेसबुक मैसेजेस आ रहे हैं, इतने यूट्यूब कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि चलिए कोई बात नहीं, जो मेरा मेन है वर्क रिकॉर्डिंग का, वो तो मैं कर ही रहा हूं अमेरिकन कोर्सेज के लिए, यूरोपियन कोर्सेज के लिए, ऑस्ट्रेलियन कोर्सेज के लिए, जो मेरा ड्रीम है वो तो मैं अचीव कर ही रहा हूं। उसके साथ साथ कमिंग अटेम्प्ट जून 2018 ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिसंबर 2017 में जिन बच्चों ने हमारे से रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी, पटना से, इंदौर से, पंजाब से, लुधियाना से, नैनीताल से, आपको अभी मैं दिखाऊंगा कहां कहां से यूट्यूब कमेंट्स आ रहे हैं और उन सब ने हमारे को बेस्ट विशेस दी कि सर सारा पेपर आप ही की बुक से आया, जो आपने कराया आपने बिल्कुल वैसे ही आया और हमें लगा कि आप वीडियो में नहीं अभी हमारे बाहर आ जाएंगे, अभी वीडियो से निकल के आ जाएंगे जिस तरह से आपने समझाने की कोशिश की। वो सारे कमेंट्स मैं आपको शो करूंगा। अब बेटे वो कमेंट्स की वजह से मुझे फोर्स होना पड़ा कि मैंने अब ये डिसाइड किया कि चलिए इतने बच्चे स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो सबके भले में मेरा भला है। तो जून 2018 CS प्रोफेशनल मॉड्यूल टू जून 2018 की जो एग्जामिनेशन है इसके हमने सोचा है कि फ्रेश बैचेस हम लेने स्टार्ट कर रहे हैं फेस टू फेस। और आपको जान के खुशी होगी तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स मैं खुद ही लेता हूं क्योंकि तीनों पेनड्राइव रिकॉर्डेड में बेच रहे हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। और बेटे इस सब्जेक्ट में हमने 100 मार्क्स में दो कैटेगरीज डिवाइड किए, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। प्रैक्टिकल में आपको हम दो बुक्स देंगे, यहां पर दो बुक्स देते हैं जैसे हम रिकॉर्डेड या पेन ड्राइव में या गूगल ड्राइव के थ्रू दे रहे हैं, और दूसरा हम इसमें एक बुक देंगे जिसमें हम कहते हैं 101 डायग्राम्स प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस डिफरेंस बिटवीन प्लस कमेंट टाइप,
बेटा थ्योरी में तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, कमेंट टाइप, डिफरेंस बिटवीन। इसके मैंने 50-50-50, 50 शॉर्ट नोट, 50 डिफरेंस बिटवीन, 50 कमेंट टाइप और 101 डायग्राम, एक अलग से पैकेज बनाया थ्योरी का। और उसके अलावा प्रैक्टिकल हम दोनों को मिक्स में करेंगे, जैसे चवन प्राश में सब कुछ मिक्स होता है। बेटे फेस टू फेस इस बार हम बैच शुरू कर रहे हैं, और हमारे बैचेस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और एक बैच सैटरडे संडे जो स्पेसिफिकली वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए है। और टाइमिंग्स वैसे तो हम हर वीक में, क्योंकि हमारा नया चैप्टर जब भी शुरू होता है तो हम मानते हैं हमारा नया बैच ही है। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी में शुरू कर रहे हैं, आज 3 जनवरी है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, और हमारा बैच एक स्टार्ट हो रहा है 9 जनवरी सुबह 9 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एक बैच 10 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9 बजे, एक बैच 13 जनवरी को सैटरडे संडे में शुरू हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये बैच शुरू हो गया तो फिर आप 3 महीने के बाद करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर चैप्टर के जब स्टार्टिंग होती है पहले लेक्चर में हम उस बच्चे को बुला लेते हैं और हम उसी चैप्टर से मानते हैं कि वो स्टूडेंट ने एंट्री किया है, और हम 100% वीडियो बैकअप दे रहे हैं। जून 2018 के लिए हम 100% वीडियो बैकअप दे रहे हैं। इसका मतलब अगर आपकी कोई क्लास रह जाती है या आप दोबारा से उसको रीप्ले देखना चाहते हैं तो हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, आप अपने घर में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में उसको आराम से देख सकते हैं। 6 मंथ्स तक की वैलिडिटी रहेगी उसमें। उसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो टोटल आपको कितनी किताबें मिलने वाली हो सब बात बता रहा हूं। मैं भूपेश आनंद ऐलान कर रहा हूं कि जून 2018 के लिए हमने YouTube लेक्चर्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, फीडबैक के थ्रू दोबारा से फेस टू फेस लेने की सोच लिया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 3 बुक्स मिलेंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट की 1 बुक मिलेगी, और बेटे एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी की भी 1 ही बुक मिलेगी। टोटल आपको 5 बुक्स मिलने वाली हैं, प्लस 100% वीडियो बैकअप। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इंडिया में अगर आप चेक कर ले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पहली बात तो तीनों सब्जेक्ट्स को कराएगा नहीं, दूसरी बात वो 100% बैकअप नहीं दे रहा। हम फेस टू फेस क्लासेस के साथ 100% बैकअप दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स की फीस क्या है वो मैं बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि दिसंबर 2017 में जिन बच्चों ने हमें कमेंट्स लिखे हैं, मैं आपको YouTube के उसमें लेके जा रहा हूं अपने चैनल में, हजारों कमेंट्स आ गए। और इस बार के पेपर को लेकर, दिसंबर 2017 के पेपर को लेकर, कि सर आप ही के क्वेश्चंस आए, आप ही की फिगर्स आई, आप ही के कॉन्सेप्ट्स आए, आप ही के डायग्राम्स आए, इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट में, एथिक गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी एंड फॉरेक्स में, दोस्तों मन में इतनी खुशी मिली, इतनी उमंग आई, इतनी एनर्जी आई कि मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फिर दोबारा से फेस टू फेस की क्लासेस लेनी चाहिए। और इसी भावना के साथ मैंने आपके लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि मैं सबको ऐलान कर दूं कि मैं दोबारा से फेस टू फेस की क्लासेस लेने वाला हूं, भले कम बैच लूंगा लेकिन लूंगा। CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 2, तीनों सब्जेक्ट्स हम लेने वाले हैं। आप देखिए, मैंने आपके सामने चैनल अपना ओपन कर दिया है, डैशबोर्ड ओपन कर दिया YouTube का, जो मेरा डैशबोर्ड है आप चेक करिए तो ध्यान से पता चलेगा कि मैंने वीडियोस कितने अपलोड किए। मैं थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ, उसका फॉन्ट बड़ा कर दूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये देखिए जी, 821 वीडियोस ओपन हमने अभी तक डाल दिए हैं, जो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 1000 वीडियोस तक मैं पहुंच जाऊंगा आने वाले इसी 1 महीने के अंदर। और मेरा टारगेट है 2018 में 5000 वीडियोस डाल दूंगा। दोस्तों ये आपके सामने कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी आपको कमेंट वाले पेज में लेके चलता हूँ। ये 821 पेज मैंने दिखाए, ये कमेंट वाले पेज में मैं लेके चलूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के कमेंट्स भी आ सकते हैं। ये देखिए, वीडियोस के ऊपर कमेंट्स हैं, गॉड ब्लेस यू टीचर, सर प्लीज प्रोवाइड योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेक्चर फुल, गुड सर, यू आर ऑसम, नो कंपैरिजन ऑफ यूर्स, आई सल्यूट यू सर, व्हाट इज द राइट शेयर्स, ही हैज आस्क्ड वन क्वेरी, आई थैंक यू सो मच सर, आई एम ए CMA प्रिपेयरिंग फॉर CS फाइनल। बेटे हमारे CS के
वीडियोस में सीएमए और सीए के बच्चे भी देख रहे हैं, आप देखिए कितने कमेंट्स हैं और कैसे इमोशनल कमेंट्स हैं, आई सल्यूट यू, आई डू दिस, आई थैंक यू। दोस्तों ये हजारों तरह के कमेंट्स हैं और ऑल ओवर इंडिया से कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से आ रहे हैं। हमने यूट्यूब में अपने अमेरिकन कोर्सेस, यूरोपियन कोर्सेस, सीए, सीएस, सीएमए जो भी रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, हम डालते जा रहे हैं कि सबका भला हो, सबके भले में हमारा भला है। आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात बताना चाहूंगा कि हमने जो भी चैप्टर बनाया, जैसे जैसे आपके सामने मैं पहले बुक्स को दिखा दूं, हार्ड कॉपी बुक्स में दिखा दूं, ये बेटे CBQ1 है, इसे चेक करिए, ये बुक्स मिलेंगे, ये ऊपर लिखा है CBQ1, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। हम जो भी चीज करा रहे हैं वो कंसेप्ट्स में करा रहे हैं और उनकी हमने नंबरिंग की हर चैप्टर में, जैसे कैपिटल बैंकिंग का चैप्टर है, इसमें हमने नंबरिंग की, कंसेप्ट 1 में हम क्या कराएंगे, कंसेप्ट 2 में क्या कराएंगे, कंसेप्ट 3 में क्या कराएंगे, ये सभी कुछ लिखा। बेटे ये आपको दो किताबें प्रैक्टिकल मिल रही है, CBQ1 CBQ2 किस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, प्लस एक बुक हमने थ्योरी की बनाई है 101 डायग्राम की, चेक करिए 101 डायग्राम। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे हमने शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स, डिफरेंस बिटवीन कमेंट टाइप सब कुछ लिख दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब रिकॉर्डेड क्लास करके बच्चे 70 प्लस लेकर आ रहे हैं तो बेटे फेस टू फेस में तो 80 प्लस आने चाहिए, नहीं तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। और मजे की बात है कि इस बार जून 2018 के लिए हमने अभी फीस स्ट्रक्चर क्या रखा है बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, आप चेक करिए। ये मैंने आपके सामने ऐसे ही एक चैप्टर रख दिया कैपिटल बजटिंग का और ये बताने की कोशिश की कि भाई इसमें लेक्चर 6 है, इसमें मैं कंसेप्ट्स इतने करूंगा, थ्योरी क्वेश्चन ये करूंगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये करूंगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल ये करूंगा। आप समझ लीजिए कि ये भी कर लिया अगर आपने, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इससे ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखें। और हमने हर चैप्टर में थ्योरी क्वेश्चन भी लिखे, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। एक शॉर्ट नोट की तो बुक अलग है ही, जिसमें हमने 50 शॉर्ट नोट्स, 50 डिफरेंस बिटवीन, 50 कमेंट और 101 डायग्राम लिखे। लेकिन उसके अलावा जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर के बेसिस पे, वो भी देखिए आपके सामने है। आपके सामने मैंने आपके सामने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजंस, फिर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और ये कहां कहां आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, सब कुछ आपके लिए मैंने मेंशन कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेरी दो बुक्स और फेस टू फेस या रिकॉर्डेड कुछ भी देख लेते हैं प्लस एक थ्योरी की बुक, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जो कमेंट्स हैं आपको दिखाए हैं मैंने, इससे ज्यादा क्या होगा, आपके पास इतना टाइम भी तो नहीं है जितना मैंने आपको बताया। अगर आप उतना भी कर ले, मजे की बात है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, उनको भी मैंने कंसेप्ट जो अभी आपको दिखाए थे उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि एक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्टली उस कंसेप्ट में जाकर आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए मेहरबान, मैं भूपेश आनंद आपको अब दोबारा से एक बात दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने आपके लिए 101 डायग्राम जो हमने, मैंने कहा जी हम ये बुक बनाई है, हमने इसमें थ्योरी के शॉर्ट नोट्स वगैरह रखे हैं, ये लिखा 101 डायग्राम्स, ये आपके सामने डायग्राम्स है। बेटे मेरा ध्यान इस समय यह है कि थ्योरी में आपके कम से कम 40 में से 25, 30, 35 नंबर भी आ गए, वो कैसे आएंगे जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, जब तक आप पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, जब तक आप डिफरेंस बिटवीन को टेबल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। बड़े सारी ऐसी बातें हैं जो हम क्लासेस में बताते हैं, देखिए डायग्राम्स, कोई है माइकल लाल, पूरी इंडिया की बात करता हूँ और मैं चैलेंज देता हूँ किसी ने इस तरह के डायग्राम्स बनाए और जो कोई कराता हो, बेटे थ्योरी नहीं कराता, डायग्राम तो बात की बात है। ये कैसे पता चला हमें, बेटे कमेंट्स से, यूट्यूब में लोगों ने हमें कमेंट्स दिए, बताया कि सर आप ये करते हैं, आप में ये अच्छी बात है, बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा। फेस टू फेस क्लासेस दूसरे टीचर्स के अटेंड करने के बाद स्टूडेंट्स ने हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस ली, तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं दोबारा से एक बैच, दो बैच फेस टू फेस के लूंगा। और बेटे मजे की बात यह है कि मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा तो हूं और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट कुछ बच्चों का एग्जाम है, हमने उसकी भी बुक प्रिपेयर की है और वो भी बुक एक हम बुक दे रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट। इस बुक को भी मैंने इसी तरह से कंसेप्ट में डिवाइड किया है जो कंसेप्ट आपके सामने आ रहे हैं। बेटे कितने फ्लो चार्ट हमने बनाए,
कितने इमेजेस बनाई, ये सब लिखा है। देखिए फ्लो चार्ट्स, इमेजेस टोटल कितने हैं, बेटे बड़ी मेहनत की है। और इस इसकी बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मान लेते हैं चैप्टर दिखाना चाह रहा हूं प्रोग्रामिंग, तो मैंने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। हम उसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हम इंटरनेट की बात करेंगे तो मैं पूरा गूगल तक लेके जाऊंगा, मैं आपको सारी बातें यूट्यूब गूगल मैप्स के थ्रू सब प्रैक्टिकल कराया मैंने। आप मेरे यूट्यूब के डेमो वीडियोस देखिए, मैंने हजारों वीडियोस डाल दिए जो डेमो के, आप यूट्यूब में जाएं और भूपेश आनंद बस प्रेस करें, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। ऊपर सर्च है, आप उसको डालिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखना है, एथिक्स देखना है, एफएम देखना है, जो भी देखना है आप डेमो देख सकते हैं कि भाई क्या फायदा है ज्वाइन करने का या नहीं। ये देखिए कि मैंने प्रोग्रामिंग के भी कंसेप्ट्स डिवाइड किए कि भाई प्रोग्रामिंग का चैप्टर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंसेप्ट 1, प्रोग्रामिंग है क्या, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट क्या है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, लैंग्वेज ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। ये सारी बातें बेटे मैंने अपने नोट्स में बनाई। और मजे की बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट भी मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखे और दिसंबर 2017 तक के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए। क्वेश्चन आंसर ऐसी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप खाली बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं 350 रुपीज की, पैसों की बात अभी मैं बताऊंगा। आप देखिए जी, हमने इमेजेस लिखी हैं, ये क्वेश्चंस लिखे हैं कि कौन से अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था, जून 2016 में आया, फिर ये इसमें आया। और अगर एक क्वेश्चन अलग अलग तरह से आया जबकि आंसर एक ही था, तो हमने बीच में लिखा और जैसे यहाँ देखिए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग प्रोसेस, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, व्हाट इज प्रोग्रामिंग प्रोसेस, what is the steps involved in programming process, what are the steps for writing a good and a easy understood computer program। तो मैंने सारी बातें एक जगह लिखी हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप ये lectures या face to face जो हम शुरू कर रहे हैं, golden opportunity है, अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है जून का result दिसंबर अगस्त 25 अगस्त को आएगा और इसका result 25 अगस्त के सामने आपके सामने दिखेगा। बेटे इसके बाद मैंने ethics में आ गया, बेटे सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 के तीनों पेपर्स हम कर रहे हैं, तीनों के वीडियो लेकर 100% वीडियो बैकअप, और इस बार फेस टू फेस के 2-3 बैचेस शुरू कर रहे हैं, हर वीक बैच शुरू है। ये देखिए एथिक्स, इसको भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया है। और इसमें देखिए इंडेक्स, इसमें भी इंडेक्स में क्वेश्चन कितने हैं, फ्लो चार्ट कितने हैं, इमेजेस कितनी है, ये सारी बातें लिखी है। मैं एक चैप्टर ओपन करके दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि इसमें मैं कराना क्या चाह रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल आ जाए। तो हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया, ये कंसेप्ट्स हैं, ये इसके मैंने इमेजेस बनाई, भाई किसमें इमेजेस कितनी है, फ्लो चार्ट्स कितने हैं, रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल, और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है, जिससे कि बड़ा ही ईजी कवरेज हो जाता है सभी चीजों का। तो कुल मिलाकर मैं भूपेश आनंद आपसे एक बात करने जा रहा हूं कि जून 2018 के लिए जिसका रिजल्ट 25 अगस्त 2018 को आ जाएगा, इसके लिए हम जनवरी 2018 में बड़े फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट 3 बैचेस तो हम कर रहे हैं, एक बैच है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का, एक बैच है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का, और एक बैच है सैटरडे संडे का। सैटरडे का बैच जो है वीकेंड बैच, वो सैटरडे को इवनिंग में क्लास होगी, संडे को मॉर्निंग में होगी, जो बच्चे वीकेंड वाले हैं। आप किसी भी बैच में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों बैचेस में अलग अलग टॉपिक्स चलेंगे, आईटी का अलग, एथिक्स का अलग, एफएम का अलग। तो आने वाली 9 तारीख 2018 और 10 जनवरी 2018 और 13 जनवरी 2018 में हम फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप 9 बजे आ सकते हैं मंडे वेडनेसडे से फ्राइडे, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 9 बजे आ सकते हैं। यकीन मानिए ये आपकी लाइफ की रियल इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आप मार्केट में देखें तो हम ऑलरेडी इतनी रिकॉर्डेड क्लासेस बेच रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि जो बच्चे फेस टू फेस आ रहे हैं
तीनों सब्जेक्ट्स जो बच्चे हमारे से कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल मॉड्यूल टू में तीन सब्जेक्ट्स हैं और बच्चे के यहाँ घूमते हैं, कुछ सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं मिलती, हम तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी देंगे, 100% वीडियो बैकअप भी देंगे, 5 बुक्स भी देंगे। और जिन बच्चों ने जनवरी 2018 में बुकिंग करा ली, हम उनके लिए 10,000 रुपए ही फीस चार्ज कर रहे हैं, इससे ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहे, जबकि मैं पेनड्राइव या रिकॉर्डेड क्लासेस में 17,000 रुपए रिकॉर्डेड के ले रहा हूं। तो ये तो फेस टू फेस की बातें हो रही है, आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो आप डेमो अटेंड कर सकते हैं, वैसे तो डेमो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब में अवेलेबल है, आप आराम से पहले देखिए कि क्या इस टीचर को पढ़ाना आता भी है या नहीं। मैं चाहता हूं आप कमेंट्स देखें, और कोई भी चैप्टर देखते हैं ना, चाहे आईटी का, चाहे एथिक्स का, चाहे एफएम का, आप उसका पहले लेक्चर से स्टार्ट करें और उसके फर्स्ट पार्ट से शुरू करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का वेट करूंगा, मिलते हैं आने वाले नए बैचेस के साथ। धन्यवाद, बी हैप्पी, बी जॉली।